मैं नील प्रकाश पछला, आप लोग सब कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं वीडियो बनाना चाह रहा कि जो मेरा जो ये रॉयल एनफील्ड मीटर 350 है, स्टेला रेड वेरिएंट है, इसमें मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस किया था, एक्सेसरीज फिट करवाया, उसके बारे में मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस किए, क्या क्या एक्सेसरीज लगवाए हैं। आइए हम देखते हैं। फ्रेंड्स, ये रॉयल एनफील्ड मीटर 350 में एक प्रॉब्लम क्या है कि ये जो बैकरेस्ट जो है ना, ये पिलियन का जो सीट है, ये बैकरेस्ट यहाँ तक आता है, 3 इंच छोटा होता है। तो उसमें क्या होता है कि बैकरेस्ट में जब पिलियन राइडर बैठते हैं तो ये कम पड़ जाता है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने एक एक्सटेंशन करवाया। ये देखिए, ये रॉड लगवाया मैंने, बैकरेस्ट एक्सटेंशन। इसका जो कैसे इंस्टॉलेशन वीडियो सब मेरे चैनल में है, आप देख लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा। तो ये जब लगवाया था तो अभी 3 इंच एक्स्ट्रा हो गया, तो पिलियन राइडर बहुत कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। इससे क्या होता है कि अगर एक फैमिली है, छोटा बच्चे भी होगा तो वाइफ के साथ या फैमिली या फ्रेंड्स के साथ में बहुत आराम से, डबल के साथ अगर कोई पीछे बैठेगा फ्रेंड्स के साथ में भी बहुत आराम मिल जाता है। तो ये एक मॉडिफिकेशन मैंने करवाया। और एक मॉडिफिकेशन मैं दिखाता हूँ कि ये हेडलाइट ग्रिल्स लगवाया मैंने। तो आइए इधर दिखाता हूँ। ये देखें, ये हेडलाइट ग्रिल है, ये बहुत सॉलिड मेटल का है। तो ये इसलिए लगवाया कि अगर कोई बाय मिस्टेक अगर गाड़ी गिर जाता है तो हेडलाइट टूटेगा नहीं, इसलिए ये लगवाया। इसका एक पूरा सेट रहता है, ये हेडलाइट का है और ये दो इंडिकेटर्स का है और एक पीछे टेल लाइट का भी है। ये देखिए, ये टेल लाइट का भी इंडिकेटर है, ये टेल लाइट का और ये इंडिकेटर से टोटल 6 का सेट है। तो ये भी मैंने मॉडिफिकेशन करवाया, इसका भी मैंने वीडियो मेरे चैनल में मिल जाएगा आपको, आप देख लीजिएगा। और एक तीसरा मॉडिफिकेशन ये है कि ये देखिए, रेयर ब्रेक आयल रिजर्वायर है, जो ब्रेक फ्लूइड का जो पीछे का जो रेयर ब्रेक का ऑयल रिजर्वायर है, इसमें देखिए ये ऑयल रिजर्वायर में आपको मिल जाएगा। इस यहाँ एक प्लास्टिक डब्बा है, अगर आप क्लोज में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इसमें यहाँ देखिए, ये प्लास्टिक डब्बा रहता है, अगर मान लीजिए कोई कुछ पत्थर लग जाएगा, अगर कहीं गाड़ी में चोट लगी है तो ये ऑयल लीक हो जाएगा तो ब्रेक फेल हो जाएगा, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये मेटल वाला लगाया। इसका भी वीडियो मेरा चैनल में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देख लीजिएगा सारे वीडियोस। ये एक मैंने लगवाया एडिशनल। उसके बाद में यहाँ देखिए, ये डिस्प्ले में, यहाँ मैंने एक डिस्प्ले में ये टेम्पर्ड ग्लास लगवाया, ये टेम्पर्ड ग्लास लगवाया ये। तो ये टेम्पर्ड ग्लास से क्या हो जाता है कि अगर कोई पत्थर अगर लग जाएगा तो स्क्रीन टूटने से बच जाएगा, प्लस स्क्रैचेस से बच जाएगा, उसके लिए मैंने ये टेम्पर्ड ग्लास लगवाया। उसका भी वीडियो मेरे चैनल में है, आप देख लीजिएगा। और एक मैंने एक और मॉडिफिकेशन किया है, वो है ये AHO ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन स्विच। नॉर्मल में क्या होता है, मीटर 350 में जो BS6 के बाद नया रूल निकला है कि कंटिन्यूसली हेडलाइट ऑन रहता है, तो वो हेडलाइट ऑन रहता है तो वो ऑन, लेकिन क्या होता है डे टाइम में वो कंटिन्यूस ऑन रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बैटरी ड्रेन हो जाएगा, प्लस ये हेडलाइट भी गर्म हो जाएगा। उसको अवॉइड करने के लिए स्विच लगाया, ये स्विच जो मिंडा का स्विच लगाया, तो इसका वीडियो भी मैं मेरे चैनल में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। और एक लगवाया है कि ये देखिए, ये ग्रैब हैंडल है और ये हुक है। नॉर्मल में ये बाहर से आफ्टर मार्केट से मैंने लगवाया, इससे क्या होता है कहीं अगर लेडीज़ अगर साइड में बैठते हैं तो उनको पकड़ने के लिए, जब अगर कोई ऐसा बैठते हैं तो ऐसा पकड़ने में ग्रिप अच्छा रहेगा। और ये हुक इसलिए कि कोई छोटा मोटा सामान अगर आप खरीदते हो बैग्स, इस यहाँ हैंग कर सकते हैं, तो उसके लिए ये मॉडिफिकेशन मैंने लगवाया, एक एडिशनल एक्सेसरी मैंने लगवाया। और एक और लगवाया कि ये डीलक्स फुट पैक्स है, इसका भी वीडियो अब मेरे चैनल में मिल जाएगा। ये लॉन्ग राइडिंग में बहुत आराम मिलता है, अगर लेग पूरा मतलब कंफर्ट हो जाता है तो इसलिए ये 4 है, 2 फ्रंट का, 2 है बैक का, 2 सेट है, टोटल 4 सेट है। इसका भी 5,000 रुपये है, जेन्यून एक्सेसरी से रॉयल एनफील्ड का, उससे मैंने लगवाया है। तो ये एक मॉडिफिकेशन। और ये है, ये लेग गार्ड जो है ये रॉयल एनफील्ड शोरूम से ही लिया था, जब बाइक खरीदा तब उस टाइम में लिया था। ये एयरफ्लाई मॉडल है,
इससे क्या होता है कि गाड़ी का प्रोटेक्शन रहता है, अगर कभी गिर भी जाता है तो इंजन पे या टैंक पे चोट नहीं लगेगा, डायरेक्ट ये इम्पैक्ट ले लेता है। और हम लोग अगर राइड कर रहे हैं तो हमारा लेग भी अगर सामने से कोई हिट करने का आएगा पहले ये लगेगा तो हमारा लेग भी बच जाएगा, उसके लिए ये लगाया हुआ है। और उसके बाद में ये लिखा, ये देखिए यहाँ एक इंजन का सम्प गार्ड लगवाया मैंने, ये देखिए यहाँ एक सम्प गार्ड लगवाया। तो ये सम्प गार्ड से क्या होता है, ये इंजन प्रोटेक्शन हो जाता है। अभी अभी थोड़ी देर पहले ये ऐसा हुआ मुझे कि एक बहुत बड़ी स्पीड ब्रेकर आया, उसका स्पीड ब्रेकर में अगर पिलियन के साथ में मैं राइड कर रहा था तो स्लो में सडनली ठक से वो स्पीड ब्रेकर लग गया इसमें, तो ये प्रोटेक्ट कर लिया मेरे इंजन को। अगर ये नहीं रहता तो शायद इंजन या नीचे वो ऑयल सम्प है उसमें अगर डेंट भी हो सकता था या नहीं तो क्रैक भी हो जाता है। तो ये लगाना बहुत जरूरी है, सब रिकमेंडेशन है, मेरा एडवाइस है कि आप जरूर ये लगवाइएगा। तो ये एक मॉडिफिकेशन मैंने अपना बाइक में लगवाया है। और उसके बाद में ये हॉर्न का भी, अगर इसमें जो एक आता सिंगल हॉर्न आता है तो सिंगल हॉर्न से इतना मज़ेदार नहीं लग रहा, हाईवे में जो है बहुत कम साउंड आता है, तो इसलिए मैंने ये एयर हॉर्न लगवाया। इसका साउंड देख सुनिए, अच्छे से क्लियरेंस मिल जाता है, कोई अगर सामने से आता है सडनली तो आप हॉर्न दबाएंगे तो काम आ जाएगा, तो मतलब आप सेफ हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें। और एक और लास्ट एक्सरसाइज मैंने लगवाया, ये है सीट कवर, ये रॉयल एनफील्ड का जो है सहारा सीट का सीट कवर लगवाया। तो इसमें जो ये सीट कवर है उसका है टूरिंग सीट वाला सीट कवर है, इससे बहुत कंफर्ट है। इसके एक एडवांटेज ये है, ये सीट कवर के साथ साथ ये बैक रेस्ट का भी कवर देता है, तो ये बैक रेस्ट का भी मैंने कवर लगवाया। तो ये तीनों मिला के मैं इसका वीडियो भी मैं अपने चैनल में मिलेगा, आप वीडियो में देख लीजिएगा। तो ये इतना सारे मॉडिफिकेशंस मैंने अपना बाइक में लगवाया है। तो आप अगर और भी अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन और अगर आप चाहते हैं तो मेरे को बताइएगा, तो मैं आप कमेंट्स कीजिए, कमेंट में बताएंगे तो मैं भी वो मॉडिफिकेशन मैं करूँगा। तो आपको ये मॉडिफिकेशन सब कैसा रहा मेरा एक्सेसरीज, इसमें अगर कोई भी अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा तो मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, और मेरे चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करके देखते रहिएगा, और आपको फ्रेंड्स को भी बोलिए मेरे चैनल को रिकमेंड कीजिए ताकि मुझे भी एंकरेजमेंट मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखिए ये सारे इतना अगर इतना मॉडिफिकेशन करने के बाद कितना अच्छा लग रहा है तो आप देख सकते हैं। तो ये लुक कैसा रहा मेरे गाड़ी का लुक, तो देखिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ कंटिन्यू टू एंकरेज मी एंड कंटिन्यू टू सब्सक्राइब एंड वॉच मी वीडियो। बाय फ्रेंड्स।